हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द 5 ईयर एमसीक्यू। मेरा नाम है कुश पांडे एंड चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को लेकर। दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम द हेडलाइंस फ्रॉम यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे एंड सो विल डिस्कस देम इन डिटेल कि इन सवालों से आपको एग्जाम में क्या क्या इन हेडलाइंस सवाल आपके बन सकते हैं। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, जो कि अब आपके सामने स्क्रीन पे है। सौरभ घोषाल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, इनमें से किस खेल से संबंध है सौरभ घोषाल का। आपके सामने देखिए चार ऑप्शन भी दिए हैं एंड इसका जो आंसर आपके सामने है दैट इज ऑप्शन ए, जो कि है आपका स्क्वैश। स्क्वैश के दोस्तों ये खिलाड़ी हैं। सिमिलरली अगर हम टेबल टेनिस की बात करें या फिर बैडमिंटन की बात करें, स्विम की बात करें, तो इनमें भी आपको सवाल पूछ सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें बैडमिंटन की, तो वी हैव साइना नेहवाल जो कि बहुत फेमस प्लेयर हैं, देन वी हैव पीवी सिंधु, ये काफ़ी फेमस प्लेयर हैं, ऐसे कई प्लेयर्स और हैं। तो सवाल आपसे स्विमिंग के बारे में भी पूछ सकता है और टेबल टेनिस। तो आपसे मेरा सवाल यहाँ पर होगा कमेंट सेक्शन में, टेल मी अ प्लेयर्स नेम इन टेबल टेनिस एंड ऑल्सो टेल मी अ प्लेयर्स नेम इन स्विमिंग फ्रॉम इंडिया। अब ये न्यूज़ में क्यों है, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। द रीज़न वाई देयर इज इन न्यूज़ इज बिकॉज सौरभ घोषाल एंड जोश नप्पा ये दोनों ही जो हैं ये एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप जो हैं उसके टाइटल्स के लिए लड़ रहे हैं एंड ये जो आपकी चैंपियनशिप है दैट इज टेकिंग प्लेस इन कुआलालंपुर। इसी वजह से दीज पीपल दीज स्पोर्ट्स पर्सन आर इन न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ये रहा आपके सामने। बाजीराव द लास्ट कैप्टिव वाइट टाइगर डाइड एट, बाजीराव आखिरी कैप्टिव वाइट टाइगर इनमें से कहां पर उसका देहांत हो गया, वो मर गया। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, सुंदरबंस, संजय गांधी नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, द रीजन वाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही वॉज द लास्ट कैप्टिव वाइट टाइगर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, उस नेशनल पार्क में या उस जगह पर वो आखिरी आपका वाइट टाइगर था। दोस्तों इसका जो आंसर है द आंसर इज ऑप्शन बी, जो कि है संजय गांधी नेशनल पार्क। माय क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि एक सवाल आपका जो एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि सुंदरबन जो आपका है वो आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, संजय गांधी नेशनल पार्क इज इन महाराष्ट्र, इनफैक्ट इट इज इन मुंबई, दुधवा नेशनल पार्क जो है वो आपका है इन दुधवा एंड सॉरी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपका अब उत्तराखंड के अंदर आता है। तो सवाल मेरा आपसे है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर आता है। आपके पास दो ऑप्शन है, यूपी या फिर उत्तराखंड, ठीक है। अब ये न्यूज़ में है बिकॉज ही हैज़ पास्ड अवे गाइस, ही वाज 18 इयर्स ऑफ एज एंड ही वाज कैप्टिव वाइट टाइगर एट द संजय गांधी नेशनल पार्क इन मुंबई एंड ही वाज बोर्न टू अदर टू वाइट टाइगर्स दैट इज रेणुका एंड सिद्धार्थ इन 2001 एंड अब दोस्तों इनका इस टाइगर का देहांत हो गया, ही हैज़ पास्ड अवे। नेक्स्ट हेडलाइन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What does G stand for in GSP? G का मतलब क्या है GSP के अंदर, General, Gratuity, Generalized या फिर Greater? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दैट इज Generalized। अब ये होता क्या ये जानते हैं। GSP का फुल फॉर्म आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ Generalized System of Preferences। बेसिकली इट इज़ अ US ट्रेड प्रोग्राम जिससे डिज़ाइन किया जाता है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डेवलपिंग वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स एंट्री इनटू द US एंड करीब इससे 129 कंट्रीज जो हैं उनका बेनिफिट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया था सैटरडे को कि देर आर टू टर्म्स, द फर्स्ट टर्म इज GSP, द सेकेंड टर्म हियर इज MFN। नाउ MFN इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाइल GSP रिलेटेड टू द US। The difference between GSP and MFN is that MFN is applicable to everyone. Every member of WTO has to treat every other member as equal trading partners. WTO का अगर कोई country member है तो बाकी जितने भी members हैं उन्हें बराबर ट्रेडिंग में ट्रीट करना पड़ेगा, उसमें कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगा। GSP इज़ द अदर वे अराउंड, यहाँ पर US विल सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज फॉर विच इट विल डिक्रीज द टैक्सेस, इट विल डिक्रीज द टैरिफ्स ऑन दी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दोज कंट्री। जो भी सामान उन देशों से आपका एक्सपोर्ट होगा बाहर या फिर इम्पोर्ट होगा US के अंदर, उस पर टैक्स फ्री या फिर उसे टैक्स में कम किया जाएगा। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ ऑफ पुअर कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए उसने किया था, टर्की के लिए किया था, पर न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज यूएस हैज़ सेड दैट आफ्टर अ 60-day पीरियड इट विल नॉट फॉलो GSP एंड इसको वो रिमूव करेगा एंड द कंट्रीज़ विच वर द साइनीज ऑफ दिस अग्रीमेंट उनको अब अपने टैक्सेस उनको टैरिफ्स अब इन प्रोडक्ट्स पर पे करने पड़ेंगे. सो उस वजह से भी आपका ये न्यूज़ में है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने एक और बात कही है कि ईरान से ऑयल जो है उसको भी इंपोर्ट नहीं करना है. उसको लेकर इंडिया ने तो अग्री किया है पार्शली, बट कंट्रीज लाइक यूके एंड फ्रांस दे आर ट्राइंग टू एडवाइस यूएस नॉट टू फोर्स द कंट्रीज टू बैन द इंपोर्ट ऑफ ईरान ऑयल. सो वो भी इंटरेस्टिंग सा एक अभी चल रहा है मैटर. देखते हैं उस मैटर पर आगे क्या चलता है. नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों. Which of the following clubs has won the Scottish Football League? इनमें से वो कौन सा क्लब है जिसने हाल ही में स्कॉटिश फुटबॉल लीग को जीता है? वेल, इट इज़ अ लेस फेमस प्रीमियर लीग. इससे पहले आपका इंग्लिश प्रीमियर लीग था जो कि इंग्लैंड में होता है. दैट इज़ मच मोर फेमस, पर फिर भी ये भी एक वहाँ का एक सॉर्ट ऑफ फेमस आपका लीग है, स्पेशली इन स्कॉटलैंड. इसका आंसर आपके सामने है. The answer here is, it is option B, that is Celtic. Celtic ने जीता है इस बार का Scottish Football League. Basically, ये league जो थी, it was founded in 1998, and तब से लेकर अब तक maximum जो wins भी है, वो भी Celtic ही रही है, इस league के अंदर. Next question पे आते हैं. Which state government has put a limit to the weight of school bags? इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में कहा है कि एक बच्चे के वेट का मैक्सिमम 10% तक का ही उसका बैग का वजन हो सकता है. द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी ऑफ अ बैग ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ चाइल्ड शुड बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% ऑफ द वेट ऑफ दैट स्टूडेंट. तो वो प्रदेश कौन सा है? द आंसर इज, इट इज ऑप्शन ए, दैट इज केरला. केरला वो प्रदेश है जिसने इसकी जानकारी दी है कि यस, माफ करना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इनफैक्ट एक करेक्शन मैं आपके लिए कर दूंगा. वन सेकेंड, कि केरल में दोस्तों ये कहा गया है कि ये आपका एक वेट होना चाहिए. अगर हम वेट की बात यहाँ पर करें तो वेट ऑफ द स्कूल बैग इज नॉट मोर देन 10% ऑफ द चाइल्ड्स वेट एज पर द ऑर्डर. अगर एक बैग स्टूडेंट क्लास 1 या 2 का है तो उसका वेट 2 kg ज़्यादा होना चाहिए. If the bag is any between 2 to 3 kg, that should be of a class 3 to 5 student. Similarly, maximum जो आपका होना चाहिए 9 to 10th का, that should be in the range of 4 to 5 kg. तो ये range भी उन्होंने यहाँ पर दे दी है. अगले सवाल पे आते हैं. Who has been anointed as the new emperor of Japan? इनमें से किसे हाल ही में anoint किया गया है as the new emperor of Japan? Is it Meiji? Is it Showa? Is it Akihito? Is it Naruhito? कौन बने हैं नए ruler of Japan? And the answer is, it is option D, that is Naruhito. He has replaced Akihito as the new emperor of Japan. और इनके साथ जो यहाँ पर नया एक रूल आया है, नया कल्चर आया, दैट इज़ अ रीवा थीम पे ये आपका जापान की जो रूल है वो चलेगा. सो दिस इज़ द सेकेंड कंट्री जहाँ पर की जो किनशिप है, जो रूलर है, उसमें चेंज आया है. द अदर कंट्री की हम बात आगे करेंगे, पर यहाँ पर आपको याद रखिएगा कि एम्परर नारुहितो हैज सेड दैट दे विल वर्क टुगेदर एंड ही हैज़ रिप्लेस्ड अकीहितो एज द न्यू रूलर ऑफ जापान. नेक्स्ट पे आते हैं. किंग महावरिजारा लॉन्गकॉर्न, अलेगेन रिपीट, राजा महावजीरा लॉन्गकॉर्न को इनमें से किस देश में राजा के तौर पर मनोनीत किया गया है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर जापान? एंड द आंसर इज, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज थाईलैंड. थाईलैंड में दोस्तों आपका ये आया है. ही इज द 10th मोनार्क ऑफ द चक्री डायनेस्टी. चक्री डायनेस्टी इज द डायनेस्टी विच इज द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ थाईलैंड एंड ही इज द 10th मोनार्क ऑफ इट. द डायनेस्टी हैज स्टार्टेड सिंस 1782 और तब से लेकर अब तक ये आपका काम चल रहा है. फॉर द फर्स्ट टाइम जो थाई के नागरिक हैं उनके लिए कि उन्होंने एक कोरोनेशन देखा है, दैट इज द सेरेमनी ऑफ हिज अनाउंसमेंट. एंड इससे पहले 1950 में हुआ था जब इनके फादर भूमि बोल अब्दुल यादेज उनकी दोस्तों कोरोनेशन हुआ था. सो ही इज़ नाउ द 10th मोनार्क ऑफ थाईलैंड, 10th मोनार्क ऑफ चक्री डायनेस्टी हु हैज़ रूल्ड ओवर द थाईलैंड सिंस 1782. नेक्स्ट पे आते हैं.
पर उससे पहले दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक मैंने आपको इमेज भी दिया हुआ है जहाँ पर यू कैन सी थाईलैंड के बारे में. फॉर एग्जांपल ये आपके सामने रूलर हैं एंड देन वी हैव क्वीन सुदीडा हु शी इज़ द न्यू वाइफ ऑफ इन फैक्ट हिज फोर्थ वाइफ ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट. शी इज़ अ 40-year-old फॉर्मर फ्लाइट अटेंडेंट विद द थाई एयरवेज एंड इनकी सेरेमनी से 3 दिन पहले शी वॉज नेम्ड एज द क्वीन एंड शी वॉज सेट टू बी रोमांटिकली लिंक्ड विद द किंग फॉर लॉन्ग टाइम एंड नाउ शी हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द क्वीन ऑफ थाईलैंड. ऑल राइट, तो ये भी एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है कि जो उनकी क्वीन है वो भी अभी हाल ही में नई नई बनी है, दैट इज 3 डेज बिफोर दी कोरोनेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको अगली खबर पर. डेंग वैक्सिया इज द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ वॉट. डेंग वैक्सिया जो है वो पहला टीका इनमें से किसका है, मलेरिया, डेंगी, टाइफॉइड या फिर अल्जाइमर्स डिजीज, इनमें से किसका वो पहला टीका है, मलेरिया का, डेंगी का, टाइफॉइड का या फिर अल्जाइमर्स डिजीज का. एंड द आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन बी, दैट इज डेंगी. डेंगी का ये पहला वैक्सीन आपका बना है एंड ये जो वैक्सीन है इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द USFDA एंड बट इस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी इसके यूज़ पे, बिकॉज इससे रिस्क है सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़ के फैलने का भी. सो दे आर ट्राइंग टू यूज़ इट इन अ वेरी रैशनल वे एंड आगे चलकर इस वैक्सीन को और प्रमोट किया जाएगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ डेंगी जिसका नाम है डेंग वैक्सिया. नेक्स्ट पे आते हैं. गेम चेंजर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम, इनमें से किसकी गेम चेंजर आपकी आत्मकथा है. इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बुक गाइज. आई हैव कम अक्रॉस दी किंडल वर्जन ऑफ दिस बुक एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, कभी टाइम मिले बिल्कुल पढ़िएगा. दी आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ शाहिद अफरीदी. इनकी दोस्तों ये किताब है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ वायलेंट डेथ्स और GREVD हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में GREVD विच इज़ ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ वायलेंट डेथ्स इसको लॉन्च किया है. एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज सिप्री. नाउ गाइस सिप्री का फुल फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर देखिए दिया हुआ है. द फुल फॉर्म ऑफ सिप्री इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इट हैज़ लॉन्च GREVD. इससे दे आर ट्राइंग टू गेज हाउ मेनी नंबर ऑफ वायलेंट डेथ्स हैव हैपेंड इन द वर्ल्ड वाइड. दिस GREVD विल काउंट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड डिस्प्ले दीज इन एन ओपन सोर्स डेटाबेस ताकि वी कैन नो वट इज द अमाउंट ऑफ डेथ्स दैट हैव हैपेंड ड्यू टू वायलेंस एंड वायलेंस रिलेटेड डेथ्स. एंड इसके लिए जो उनका एक इसके लिए दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2030 तक इन्हें अचीव करना है. दे हैव टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड रिलेटेड डेथ्स रेट एल्सवेयर विच इज़ अ पार्ट ऑफ द UN's सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो उसके ऊपर भी ये बहुत ही बड़ा कदम है कि दिस पर्टिकुलर रजिस्ट्री विल टेल अस हाउ मच अमाउंट ऑफ डेथ्स हैपन ड्यू टू वायलेंस. तो वो भी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर खबर है. एंड आते हैं हमारी आज की आखिरी सवाल पर. भूषण पाटिल हैज़ रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ, भूषण पाटिल जो हैं उन्होंने इनमें से किस कंपनी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है. एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ Paytm. ही जॉइन Paytm आफ्टर सर्विंग 5 years एट Alibaba एंड नाउ ही हैज़ रिजाइंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजिशन. तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 11 सवाल एंड इसके PDF आपको बहुत जल्द मेरे ग्रुप पे मिल जाएगा. माय ग्रुप्स नेम इज क्वेश्चन ग्रुप ऑफ चैंपियंस. लगातार आपको PDFs इसकी मिलती रहेंगी. यू कैन ऑल्सो गेट द PDF इन द डिस्क्रिप्शन लिंक एज वेल. सो थैंक यू सो मच गाइज आपका आने के लिए. लेट्स मीट यू नाउ एट 8 AM इन द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू. बाय गाइज, टेक केयर एंड नो मैटर वॉट आर इन योर लाइफ, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर डिफरेंट, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू विल डू वंडर्स एंड कभी भी हिम्मत ना हारना. कभी हिम्मत हारना तो मेरे को बस एक मेल कर देना एंड हो सके मैं आपके काम आ सकूँ. बाय गाइज, टेक केयर एंड टेक केयर. बाय.